बुलेट ट्रेन। एक बड़ा शहर से लगा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पन्नालाल नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। वो हर रोज सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होकर मुंह को पाउडर से ढक देता, फिर सर पे जेल लगा लेता, फिर अपने साइकिल पर दूध लेकर वो घर घर जाके बेचा था। क्यों इतना चिकना बनता रहता है, सुबह सुबह इतना मेकअप लगा के घूम रहा है? मुझे सिनेमा में मौका नहीं मिला ना, इसलिए सुबह सुबह दूध बेच रहा हूँ, वरना हर रोज टिकट लेके मॉर्निंग शो देखने जाती मुझे। पन्नालाल के पास 3 एकड़ बंजर जमीन था जिसमें एक घास भी नहीं उगता। कुछ साल बाद भयंकर रियल एस्टेट बूम आया और शहर गांव तक पहुंच गया। पन्नालाल के जमीन के पास ही बड़ा सा अपार्टमेंट बनने लगा और इससे पन्नालाल का जमीन का डिमांड बढ़ गया। एक बड़ा सा रियल एस्टेट कंपनी ने पन्नालाल का जमीन 30 करोड़ रुपए में खरीद लिया, तो रातों रात पन्नालाल करोड़पति बन गया। उसने बड़ा सा बंगला खड़ा कर लिया और कार भी खरीद लिया। एक दिन उसने सोचा, अरे मेरा हीरो बनने का ये सबसे अच्छा टाइम है, मुझे कोई सेंचुरी फॉक्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरा खुद का सिनेमा मैं खुद ही बना लूंगा। उसने मुंबई से राइटरों को और डायरेक्टरों को बुलाया। उन लोगों ने उसे कहानियां सुनाई। उनके उल्टे सीधे कहानी सुनकर इसका दिमाग खराब होता था। एक दिन उससे मिलने सुमन शेट्टी नाम का एक डायरेक्टर आया। सर, इस कहानी का टाइटल है बुलेट ट्रेन। हीरोइन को विलन्स किडनैप करके बुलेट ट्रेन में ले जाएंगे। हीरो बुलेट ट्रेन का पीछा करके हीरोइन को किस तरह से बचाता है, इसी पर कहानी आधारित है, कहकर उसने पूरी कहानी बताई। पन्नालाल को कहानी बड़ा पसंद आया। अरे ये तो रजनीकांत स्टाइल में है, कल से शूटिंग शुरू कर दो। आपने क्या सोचा, हीरोइन किसको होना चाहिए? कोई नई लड़की होगी तो अच्छा होगा। अब मेरे साथ कौन सी बड़ी हीरोइन काम करने वाली है? अरे ये क्या सर, ये क्या बोल रहे हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। वैसे भी आपका कदकाठी नाक नक्शा तो ठीक ही है, रुक जाइए मैं करीना को सेट कर लेता हूँ, पर करीना के लिए 5 करोड़ एडवांस भी देना पड़ेगा, सोच लीजिए। पन्नालाल बड़ा खुश हो गया, चेक पर साइन करके उसे दे दिया। आर्ट डायरेक्टर कारपेंटर और वेल्डरों को लेके बुलेट ट्रेन बनाने लगा। कुछ दिन बाद शूटिंग चालू हो गया। पन्नालाल बड़ा खुश होके मेकअप करके ड्रेस व्रेस पहन के सेट पर आ पहुंचा। हीरोइन को देख के वो दंग रह गया। अरे ये क्या भाई, तुमने कहा था करीना कपूर हीरोइन है, अब ये किसी और को दिखा रहे हो, 5 करोड़ एडवांस भी लिया। अरे सर, इसका नाम भी करीना है, पर फर्क इतना है, ये करीना कपूर नहीं, करीना गफूर है। इसी नाम की वजह से कई लोगों ने इसे सिनेमा में ले लिया। इनके डेट्स मिल गए, यही बड़ी बात है। वैसे भी आपके साथ इससे बड़ी हीरोइन काम भी नहीं करेगी। चलिए चलिए। पन्नालाल दंग रह गया, पर फिर भी वो बुलेट ट्रेन के लिए ढूंढने लगा। आर्ट डायरेक्टर को बुलाकर उसने पूछा, अरे बुलेट ट्रेन में सीन था ना, बुलेट ट्रेन है कहाँ? हाँ सर, वहां रखा है, कहकर उसने ट्रेन की तरफ इशारा किया। वहां एक ठेले पर बुलेट ट्रेन रखा हुआ था। पन्नालाल चौंक गया, क्या ये बुलेट ट्रेन है, तुमने 5 करोड़ लिए थे ये कहकर कि जापान की तरह ट्रेन बनाओगे? ये मिनिएचर ट्रेन बनाने में ही आपने जो दिया था उससे ज्यादा खर्चा हुआ है। कारपेंटर के लिए, वेल्डर के लिए और उस ठेले वाले के लिए बहुत खर्चा हुआ है। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि ग्राफिक्स में कवर कर लेंगे। ये सारी बातें पन्नालाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में डायरेक्टर ने आके पन्नालाल से कहा, सर इस सीन में हीरोइन को विलेन लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में, और आपको दौड़ के बुलेट ट्रेन का पीछा करना है, यही सीन है। अरे हीरोइन ट्रेन में कहाँ है, वहां बैठी छतरी के नीचे जूस पी रही है। इसे तो सिनेमा कहते हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि उस ट्रेन के अंदर हीरोइन है। इसके बाद डायरेक्टर कैमरे के पीछे जाकर बोला, एक्शन। पन्नालाल उस बुलेट ट्रेन के पास से भागने लगा। वो ठेले पर बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। कट कट कट। सर बुलेट ट्रेन कितना तेजी से निकलता है, आप उसको पीछे छोड़ के आगे कैसे निकल सकते हैं, थोड़ा देख के कीजिए। क्या ये बुलेट ट्रेन है और मुझे इससे आहिस्ते दौड़ना पड़ेगा? कितने में डायरेक्टर ने चिल्लाया, एक्शन।
पन्नालाल ने एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ने का एक्टिंग किया। सुपर सर, ऐसे ही करते रहिए। दूसरे दिन डायरेक्टर ने कहा, सर आज का सीन ऐसा है, बुलेट ट्रेन आपके तरफ आ रहा है, आपने जांग पीटा, बस ट्रेन धड़धड़ करके पीछे चला गया। डायरेक्टर कैमरा के पास खड़ा हो गया, फिर उसने सेट असिस्टेंट से कहा, हीरो के जांग पीटते ही उस ठेले को जल्दी जल्दी पीछे की तरफ खींच लेना, अलर्ट रहना तुम सब, समझ गए? फिर जैसे ही पन्नालाल ने जांग पीटा, उस ठेले को उन लोगों ने पीछे खींच लिया। हर रोज प्रोडक्शन मैनेजर आकर खाने का बिल, रहने का बिल और आने जाने का बिल दे जाया करता। हिसाब देखकर पन्नालाल का दिमाग चकरा जाता। इस तरह उस सिनेमा पर करोड़ों रुपए खर्चा हो गए। किसी भी तरह सिनेमा बन गया। पन्नालाल के सारे पैसे खत्म हो गए थे, सिर्फ उसका बंगला बच गया था। एक दिन बंगले के सामने डायरेक्टर ने कहा, सर सिनेमा तो बढ़िया बना है, अब इसका पब्लिसिटी करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। पन्नालाल घूम के घर के तरफ देखा, फट से घर गायब हो गया। कुछ दिन बाद वो सिनेमा रिलीज हो गया। पन्नालाल सिनेमा हॉल पहुंच गया। सिनेमा हॉल में उसके अलावा सिर्फ 4-5 लोग और थे। वो हॉल को देख रहा था कि लोग क्यों नहीं आ रहे थे। सिनेमा खत्म होने के बाद पन्नालाल थिएटर के बाहर एक माइक पकड़कर एक दर्शक को रोक के पूछा, आपको सिनेमा कैसा लगा? उस आदमी ने उसे देखकर पूछा, तुम ही सिनेमा के हीरो हो ना? पन्नालाल ने छाती फुला के कहा, हाँ मैं ही हूँ, अच्छा किया ना मैंने? उसने खींच के चाटा मारा, क्या रे तू हीरो है और वो बुलेट ट्रेन है, इतनी जरूरत ऐसी सिनेमा निकाली? मेरे टिकट के पैसे वापस दे वरना काट के टुकड़े कर दूंगा। पन्नालाल डर गया और टिकट के पैसे उसे लौटा दिया। सिनेमा तो अटर फ्लॉप हो गया था, तो पन्नालाल फिर से दूध बेचना चालू कर दिया। वो साइकिल पर दूध लेकर, ए दूध, दूध, ताजा ताजा दूध,